नमस्कार दोस्तों, आज हमने बनाई है डेली सब्जी। मतलब जो डेली रूटीन में हमारी सब्जियां होती हैं बनाते हैं, वैसे ही आज वो सब्जी को हम शेयर कर रहे हैं। उसको कैसे टेस्टी बना सकते हैं, आप इस सब्जी को टिफ़िन के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, बढ़िया स्वाद लगे जिसमें। तो यहाँ पे आलू लिए, चकोर पीसीस कर लिए हैं और कैप्सिकम को भी हमने चकोर पीसीस कर लिए हैं। और यहाँ बस ये आलू और कैप्सिकम की सब्जी है। और इस आलू को हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्राई कर लेंगे, इसको गोल्डन फ्राई करना है और प्लस ये सॉफ्ट हो जाए, हमने इतना इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना इसको, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और ये गोल्डन फ्राई भी हो जाएंगे प्लस ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो हमें इतना इसको बस पकाना है। तो यहाँ पे अभी आलू देख लेते हैं कितना सॉफ्ट हुए हैं। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आगे भी अगर हम मतलब इसको हम पकाएंगे तो और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ कैप्सिकम को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो कैप्सिकम को बस 1-2 मिनट के लिए हमने फ्राई किया है, तो ये बस इतना ही फ्राई करना है और हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है और इसको हम टिफ़िन में या फिर हम पिकनिक पे जा रहे हैं कहीं, तो उसके लिए भी हम इसको बना करके रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है, बाकी का ऑयल हमने निकाल दिया था। यहाँ पे जीरा डाला है और गार्लिक हमने डाला है इसमें। तो जीरा और गार्लिक को थोड़ा हमने कलर कर लिया है और ये हमने डाल दी है ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, तो इनको जो है हमने बहुत फाइन चॉप करने के बाद ही डाला है। ये आप चॉपर में भी कर सकते हैं। सब्जी जितनी अच्छे से बारीकी से कटती है उतनी ही बढ़िया टेस्ट बनता है उसमें। और यहाँ पे हमने टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, तो इसको थोड़ा सा बस इसको मिक्स चला लेते हैं। टमाटर डाल दिया है मीडियम साइज़ का, बहुत इसको भी हमने बारीक काटा है और इसको थोड़ा अभी हम पकाएंगे, हमारे टमाटर गलने तक हमने इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी बस मैंने डाला है और इसको मैं सिम कर दूंगी गैस को, और बिल्कुल इसको जो टमाटर दिख रहे हैं वो दिखना ना, मतलब वो अच्छे से गल जाएं। तो हमने ऐसे इसको मसाले को अब पकाना है। अगर आप मसाले को अच्छे से नहीं पकाते तो आपके जो प्याज अलग दिखाई देती है, टमाटर अलग दिखते हैं। यहाँ कसूरी मेथी मैंने डाली है, किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और लगभग हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल गल चुका है और बाकी जो प्याज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमने कैप्सिकम और पोटैटो दोनों को अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सब्जी जो है मसाले भी कम है, प्लस इतना जो हमने स्पाइसी भी नहीं बनाया है, लेकिन ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और बच्चों को टिफ़िन में दें, ऑफिस में टिफ़िन के लिए आप इसे बना सकते हैं, घर में भी कभी मन मतलब इस टाइप से सब्जी आपको मन करता है और कैप्सिकम रखा है तो आप इस टाइप से कैप्सिकम की सब्जी को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और यहाँ पे हमने आलू और कैप्सिकम डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के सिम करा गैस को, सॉल्ट हमने डाल दिया इसमें और इसे बस बीच बीच में चलाना है और बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमने, और सिम गैस में हमने बस 1-2 मिनट के लिए इसे कुक करना है और बीच में चला करके देखते रहना है। तो देखिए सब्जी हमारी अब सिमटती जा रही है और लगभग बन चुकी है, ये कुक हो चुके हैं आलू वगैरह सब। तो गैस को अभी हम बंद कर देंगे और ये देखिए हमने इसे कितना अच्छा इसका लुक दिख रहा है, वैसे ही टेस्ट भी इसका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।